कहा कि उन्होंने जब उनके भाई उनसे डिप्टी सुप्रिटेंडेंट की जेल के कमरे में मिलने आए तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इमरान खान के ऊपर मेन मीडिया पर पाबंदी है, मगर फिर भी इसके बावजूद अगर आप मोबाइल ऑन करते हैं या टीवी ऑन करते हैं, आपको एक शख्स के हवाले से ख़बर मिलेगी और वो इमरान खान साहब है। यानी पाकिस्तान की तमाम ख़बरों का मेवर इमरान खान साहब है, और ऐसा महसूस होता है कि सिर्फ इमरान खान साहब रेविलेंट है, बाकी हर कोई इररेलेवेंट हो चुका है इस मुल्क में। आरिफ हमीद भट्टी साहब ने एक अजीब इंकशाफ किया है कि जब अलीमा खान इमरान खान साहब से डिप्टी सुपरिटेंडेंट के कमरे में मिलने गई तो वहाँ पर क्या वाकया पेश आया। पहले आपको आरिफ हमीद भट्टी साहब की गुफ्तगू सुनवाते हैं। कहा कि उन्होंने जब उनके भाई उनसे डिप्टी सुप्रिटेंडेंट की जेल के कमरे में मिलने आए तो उन्होंने सबसे पहले कहा एसी बंद कर दो। तो उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कहा मैं पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका हूं और अवाम को मेरा पैगाम दे दें, हकीकी आजादी की जद्दोजहद तक ना इमरान खान झुकेगा, ना बिकेगा, ना कोई एनआरओ लेगा, ना बिरूने मुल्क लाएगा। पाकिस्तान में अब अवामी शऊर पैदा हो चुका है, अब पाकिस्तानी कौम को चंद खानदानों की गुलामी से निजात दिलाकर ही वो उस वक्त तक जद्दोजहद जारी रखेंगे जब तक कौम मुकम्मल आजाद ना हो। यानी वो लोग जो खान साहब के हवाले से कहते थे कि खान साहब ने बहुत ऐश-ओ-इशरत की जिंदगी गुजारी है, जेल में जिंदगी गुजारना खान साहब की बस की बात नहीं है, उन लोगों के लिए खान साहब ने पैगाम दे दिया कि उन्होंने एसी के बगैर भी जीना सीख लिया है। खान साहब के हवाले से ये कहा गया है कि उन्होंने अंग्रेजी तर्जुमे के साथ कुरान मजीद ख़त्म किया है, और साथ में उन्होंने अलीमा खान को ये भी बताया कि उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है जेल में रहने का, कि उनको कुरान शरीफ पढ़ने का मौका मिल गया है। यानी इमरान खान साहब जेल के अंदर है, मगर वो पैगाम आवाम को दे रहे हैं कि आप डट जाओ, मैं डट कर खड़ा हूँ और जेल के अंदर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लगता है कि आने वाले दिन पाकिस्तानी आवाम के लिए खुशखबरियाँ लाएंगी, क्योंकि इमरान खान साहब जेल में डट चुके हैं, आवाम सड़कों पर है, और वही कौमें आज़ादी हासिल करती है जो अपना हक मांगना सीखे। अब लगता है कि पाकिस्तानी आवाम भी सबक सीख चुकी है कि सड़कों पर आने के बगैर उनका कोई चारा नहीं है। और खान साहब ठीक कहते थे कि आज़ादी प्लेट में नहीं मिलती है, आज़ादी और अपना हक हासिल करने के लिए जद्दोजहद करना पड़ती है। आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय ज़रूर दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें।